गुड मॉर्निंग गाइस। बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, पर फिलहाल मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरा ऑपरेशन हो गया है कान का, और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, उसमें अपनी पिक्स डाली थी, ये वाली कैनुला लगी हुई। और मैं 14th 15th को करीब 1 बजे भर्ती हुआ। पापा हमारे लेकर आए, मुझे भर्ती किए। कान का ऑपरेशन इसलिए हुआ कि कान में कुछ कई दिनों से अलग अलग तरह के आवाज़ें आ रही थी, दर्द भी हो रहा था बीच बीच में, तो इसलिए मैं एक सीनियर जो हमारे टेल्को हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ENT विशेषज्ञ हैं, मिस्टर शलभ रस्तोगी जी, उनको मैंने दिखाया था और वो 2-4 दिन से मुझे चेकअप कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मुझे टाइम तो नहीं दिया था, कोई टाइम नहीं था कि अभी आप का ऑपरेशन होगा, लेकिन हाँ एक दिन उनके डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, मतलब उनके केबिन से फ़ोन आया कि ऑन मंडे यू हैव टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड ऑन ट्यूजडे एट वेरी शार्प 7:30 या 8 बजे तक आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। और कल मेरा ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन में ऐसा है कि कान का ऑपरेशन सिर्फ पर्दे के लिए किया जा रहा था। कान का ऑपरेशन सिर्फ पर्दे के लिए हो रहा था, और ऑपरेशन से पता चला डॉक्टर को भी खुद कि कान के पर्दे के पीछे जो हड्डी होती है, 2-3 कार्टिलेज हड्डियाँ होती हैं, वो हड्डियाँ भी घिस चुकी थी और एक हड्डी गायब भी हो गई थी। हॉरिबल सिचुएशन था भाई मेरे लिए। तो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर को 3-4 घंटे और लग गए। और सुबह डॉक्टर हंस भी रहे थे जब मैं होश में आया, मुझे विजिट करने बेचारे आए, वो आते ही हैं, तो बोल रहे थे कि यार तुम्हारा तो कान के पर्दे का इलाज कर रहा था, तुम्हारे हड्डियाँ भी घिस चुकी थी, एक्स्ट्रा खर्चा बैठा है भाई, हंस रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दूंगा सर। बोले 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए मुझे। हाँ सर होता है, बस इसी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। और कामना यही है कि जल्दी ठीक होकर घर जाऊँ, डिस्चार्ज ले लूँ। अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल में यार। वैसे भाई साहब, आप तो मुझे जानते ही हैं, मुझे जो चीज़ शुरू में इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए थे वो मैं बाद में कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेश रोशन है, मेरे चैनल का नाम राजेश रोशन 407 है। मैं शॉर्ट्स वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस सारे बना लेता हूँ। लॉन्ग वीडियोस कम बनाता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ लॉन्ग वीडियोस मैं कम बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो मैं ज़्यादा बनाता हूँ। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल पे जाइए, मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सारे शॉर्ट्स का, ठीक है, सारे शॉर्ट्स वीडियोस का आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। आप टॉप में जाओगे, 3 बटन को दबाओगे, डिस्क्रिप्शन पहला आएगा उसको दबाओगे और आपका चालू हो जाएगा। तो लेट्स होप मैं कब तक ठीक होता हूँ, ठीक है। डॉक्टर अभी आए थे साहब, डॉक्टर अभी आए थे, डॉक्टर आकर लोगों ने उन लोगों ने देखा और चेकअप किया है। और मैं क्या ही कहूँ, जितना जल्दी निकलो यहाँ से, डिस्चार्ज लेकर मन नहीं लगता बाबा। ओके काल रहे, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगा। बाय। ओके, इन दिस कंफ्यूजिंग वीडियो इट विल बी कंक्लूडेड एट द लास्ट इन दिस वीडियो ऑल्सो। सो व्हेन इट्स टाइम टू कम ऑफ माय डिस्चार्ज आई विल शो यू मेनी थिंग्स। एंड फर्स्ट वीडियो का ही संदर्भ है, उसी वीडियो को मैं जोड़कर इसी में बना रहा हूँ। और आप देख सकते, ये है मेल सर्जिकल वार्ड, जहाँ से मैं अंदर से भी बाहर आया हूँ, यही मेरी वीडियो बन रही थी अभी।
कैमरेज लगे हुए हैं सब तरफ, तो काफ़ी। इसके पहले भी मैं आपको वीडियोस दिखा चुका हूँ जिसमें मैंने कई सारे वीडियोस, एक बार और मैं आपको याद होगा जुलाई या अगस्त में भर्ती हुआ था तो उस समय भी मैंने ब्लॉग बनाया था इसी हॉस्पिटल से। उसमें मेडिकल था, इसमें सर्जिकल हो गया है। मेडिकल मतलब कि वही आम सर्दी खांसी बुखार वगैरह, और सर्जिकल मतलब अगर आपको कहीं चोट लग गया हो या आपका कहीं सर्जिकल पार्ट में ऑपरेशन हो रहा हो, किसी बॉडी के किसी पार्ट में ऑपरेशन हो रहा हो, वो सर्जिकल ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से ये लॉन है और काफ़ी हेवी ऑपरेशन किया ना यार, विश्वास नहीं हो रहा था, बहुत जोर कर लगे थे। अभी तो यहाँ पेन किलर दे रहे हैं और दवाइयाँ दी जा रही हैं तो दर्द कम है, वरना दर्द तो भाई साहब बहुत होता है। पता है ऑपरेशन के लिए जब मैं गया ना ऑपरेशन थिएटर में, आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, ठंड भी लग रही, ठंड काफ़ी है। ऑपरेशन थिएटर में जब हम गए, मैं गया, ओटी असिस्टेंट, असिस्टेंट क्या कहता है, ओटी असिस्टेंट, सॉरी, ओटी असिस्टेंट कहता है आप पीठ के बल लेटिए, छत की तरफ देखिए। मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ, आँख मत बंद कीजिए, आँख खुला रखिए। ऊपर से पता है उसने एक पाइप वाला मास्क लाया, पाइप लगा था उसमें, उसका गंध जब मेरे नाक के करीब आया तो मुझे समझ आया वो ईथर था, ईथर जो बेहोश करने के लिए काम आता है। हाँ, उसने वो उसमें लगाया, बोला सांस लीजिए जोर से। मैंने कहा छत के ऊपर देखता रहूँ, सांस लिया मैंने जोर से और आँख जैसी बंद के बुला रही, आँख मत बंद कीजिए, आँख खुली रखिए। हाँ, बोला सर कुछ नहीं हुआ, बोले एक बार आँख खोल के फिर से सांस लीजिए और छत के तरफ देखिए। मैंने दूसरा बार जब सांस लिया मैं गायब हो गया, मुझे कुछ याद नहीं उसके, मैं सो गया। उसके बाद उन लोगों ने भाई चीर फाड़ किया होगा, लेकिन एटलास्ट डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मिस्टर शलभ रस्तोगी, ENT आँख नाक कान गला विभाग के मुखिया चीफ, गुड डॉक्टर। उनका इलाज का तरीका बहुत पसंद आया, पहले पेशेंट को बोलते हैं तेरा ऑपरेशन होगा, फिर बोलते हैं ऑपरेशन की क्या, सेकंड विजिट में जाओ, थर्ड विजिट में जाओ, ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, फिर फोन करवा कर बुलवाते हैं, आ जाओ तुम्हारा कल ऑपरेशन होगा, वाह बहुत अच्छा। तो इस तरह से ब्लॉग को हम एंड करते हैं और आपको देखते हैं कि कहाँ से क्या हो सकता है। मेरे ब्लॉग में ज़्यादा कुछ मसाला मिलेगा नहीं दोस्तों, बस यही सब हॉस्पिटल हॉस्पिटल। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बैठ जाऊँ और सब्जी लाने जाऊँ तो भी ब्लॉग बना दूँ, वो नहीं, ज़रूरत जहाँ है वहाँ बनाता हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए यार, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं यार, क्या क्या ही नया वीडियो डालूँ, वही मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार के गाने तो डालता हूँ यार, और कुछ नए गाने, कुछ कुमार सानू, कुछ उदित नारायण के गाने डालता हूँ, और क्या ही नया डालूँ। आप मुझे सजेस्ट करो, आप मुझे सजेस्ट करो ना, आप जितना सजेस्ट करोगे मैं उतना बनाऊँगा। तो आप बताओ कि मुझे किस किस कंटेंट पे, किस चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी है, मैं आपके ख्यालों तो पे खड़े उतरने की कोशिश करूँगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप मुझे सजेस्ट करो क्या ट्रेंडिंग है, क्या वायरल है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मुझे बताओ। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, आपने मुझे बहुत मेहनत से आपने मुझे देखा। मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ इधर उधर कहीं मत जाओ, जो मेरा लिंक है उसी पर जाओ, और मेरे शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो कम है कोई बात नहीं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस मेरे बहुत सारे हैं, वो आप एंजॉय करो, नहीं भी एंजॉय करते हो फिर भी एंजॉय करो। ठीक है, वीडियो पूरा देखो, लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, कमेंट मारो। जय हिंद।